नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जेट एग्जाम 2024 है, इसका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो हो गया है। तो आपको कैसे देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, इसके लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे jeetuaug2024.com। इस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपकी फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो हो गया है जेट का, प्री पीजी का और पीएचडी का। वो आप कैसे देख सकते हैं, कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जाना होगा नीचे। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आपको अपना यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है ऐसे कैसे फिल करके साइन इन कर देना। जैसे आप साइन इन करते हैं तो आगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, तो वहाँ से आप देख पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और यदि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको नहीं दिखेगा। अब देखिए, यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि जो कॉलेज आपको अभी इस राउंड में अलॉट हो गया है उसको एक्सेप्ट करिए, उसकी जो फीस मांग रही है 1200 रुपये वो आपको ऑनलाइन जमा करनी है 24 तारीख तक, यानी 24 अगस्त तक। इसके अलावा एक ऑप्शन क्या है, अपवार्ड का। अपवार्ड क्या होता है कि अभी मान लो आपको जैसे कि 8वें नंबर का कॉलेज मिला है तो आप अपवार्ड लगा सकते हैं। अपवार्ड की फीस कितनी है, 1100 रुपये। तो अपवार्ड लगाने से क्या होगा, हो सकता है आपकी कॉलेज चेंज हो जाए। और यदि आपको जैसे कि आपने 10 कॉलेज भरे और 10 में से आपको पहले नंबर का ही कॉलेज मिल गया तो फिर आपको अपवार्ड नहीं लगाना, अपवार्ड आपका लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पहले ही फर्स्ट नंबर की आपकी चॉइस मिल गई तो फिर आपका अपवार्ड क्या लगेगा। यदि आपको कोई और जैसे दूसरे नंबर का कॉलेज मिल गया, तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया, जितने आपने कॉलेज भरे थे उनमें से, तो फिर आप अपवार्ड लगा सकते हैं। अपवार्ड की जो फीस है वो 1100 रुपये। तो इस तरीके से आप है ये अपना वर्क है वो कर लीजिएगा। 24 अगस्त 2024 इसकी लास्ट डेट है कि अभी तक है यूनिवर्सिटी ने लिस्ट रिलीज नहीं करी कि किस कॉलेज की कितनी क्या कट ऑफ गई है। यदि लिस्ट रिलीज होती है तो हम आपको तुरंत अपडेट दे देंगे और पूरी डिटेल से बता देंगे। अभी के लिए इतना ही है, आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला। बाकी और कोई डाउट कंफ्यूजन रहे तो इंस्टा पे आप हमें पूछ सकते हैं, ऋषि.agro के नाम से अपनी इंस्टा आईडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।